मुझसे आ रहा है तो ही कर पाओगे। चलो परचेज बुक की सेल्स बुक, तो सेल्स बुक समझाइए, अजय रिसीव्ड एन इनवॉइस, वी सेंट एन नाउ। कैश पार्ट के लिए नोटेगा कैश बुक एंड जेपी, एस के सोमैया एंट्री आएगा, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट, परचेज 2880 टू कैश 2822 डिस्काउंट रिसीव 58, सॉरी सेल कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, सोमैया विल राइट कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। नेक्स्ट, विशाल रिसीव्ड अ क्रेडिट मेमो फ्रॉम अजय, विशाल रिसीव्ड अ क्रेडिट मेमो फ्रॉम अजय, तो वी आर बाइंग राइट एंड पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट, इज इट कैश क्रेडिट और पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट, पार्टली कैश। अभी अजय से ही परचेज किया है, अजय को ही सेल किया, जानबूझ के डाला है सम में, अजय से ही परचेज है, अजय को ही सेल है, दिस इज पॉसिबल। लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी डिस्कस इफ यू आर शर्टिंग का डीलर, तो वी माइट बाय शर्ट मटेरियल, वी माइट सेल शर्ट्स टू हिम, ड्रेस मटेरियल खरीदा, रेडीमेड ड्रेसेस बेचा, वही बंदे से गुड्स खरीद भी सकते हो, उसी को गुड्स बेच भी सकते हो, स्टेशनरी डीलर हो, पेंसिल पेन इरेजर शार्पनर खरीदा, नोटबुक्स बेचा, ओके यू कैन बाय एंड सेल फ्रॉम द सेम पार्टी, इट इज पॉसिबल। ओके तो अभी अजय, अजय का ग्रॉस प्राइस देखो सेकेंड में कितना है, 12,000, TD is 20%, so that's 2,400, Vrushti and Suhani pay attention, 9,600 का 1/4 and 3/4, 1/4 is cash, 3/4 is credit, so this is 2,400, this is 7,200, on the cash part you take CD which is I think 2%, it's 48, so 2,352 is your net price, final price. Are we buying or we are selling? Buying. Vishal received a credit memo from Ajay. So we are buying this one. So purchase book. Ajay, what's confusion? Option में छोड़ दो। Receive किया invoice तो purchase और send किया invoice तो sales और receive किया credit memo तो purchase। Credit memo और invoice एक ही चीज है। नाम है। क्रेडिट मेमो रिसीव्ड इज क्रेडिट नोट, क्रेडिट मेमो सोल्ड सेंट इज क्रेडिट, और रिसीव किया डेबिट नोट तो सेल, डेबिट नोट रिसीव्ड इज क्रेडिट नोट सेंट, दैट इज सेल, हमेशा सेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सेम बात, सिर्फ इनवॉइस रिसीव्ड के वक्त खाली रिसीव्ड, बाकी सब सेंट, इधर सेंट, इधर सेंट, इधर सेंट। सर रिसीव्ड इधर, इनवॉइस रिसीव्ड, क्रेडिट मेमो रिसीव्ड, इनवॉइस रिसीव्ड इज परचेस, बाकी सब सेंट। इनवॉइस मतलब बिल होता है, तुम बिल कभी सेंड करोगे जब तुम सेल कर, सेलर सेंड्स द बिल, गॉट इट, बायर रिसीव्स द बिल, सो इनवॉइस इज बिल, ओके, सो क्रेडिट मेमो एंड इनवॉइस आर वन एंड द सेम, दे आर बिल्स, व्हेन यू रिसीव अ बिल यू आर बाइंग, व्हेन यू सेंड अ बिल यू आर सेलिंग, क्लियर। कैश मेमो क्या है, कैश मेमो इज अ बिल फॉर कैश ट्रांजैक्शन, सो सेंट अ कैश मेमो इज कैश सेल्स, रिसीव्ड अ कैश मेमो इज कैश परचेस, अंडरस्टूड, सीधा नहीं, ये तो क्लियर है अभी पक्का, अजय रिसीव्ड इनवॉइस मतलब वी सोल्ड एंड विशाल रिसीव्ड क्रेडिट मेमो मतलब वी परचेस, अजय सेंट अ डेबिट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, अजय सेंट अ डेबिट नोट तो वी विल सेंड अ क्रेडिट नोट, तो दैट मीन्स इट इज परचेज रिट, मिला? ओके एक मिनट, परचेज का अमाउंट लिख लो पहले कितना है, 7,200 ओनली द क्रेडिट पार्ट, कैश पार्ट का नोट लिखा, सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पार्टली ऑन कैश एंड डिस्काउंट, ट्रांजेक्शन ऑन सेकेंड, ट्रांजेक्शन ऑन थर्ड इन्वॉल्व्स कैश परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड जेपी रिस्पेक्ट। तो इधर कौन सा टीडी लेने का 10% ना, ट्रांजेक्शन ऑन थर्ड इनवॉइस कैश परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव, हेंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड जेपी रिस्पेक्ट। नाउ टेल मी सर, एसके वाले लोग नोट्स लिखेंगे, सॉरी एसके वाले लोग एंट्री पास करेंगे परचेज टू कैश टू डिस्काउंट, यस नेक्स्ट एंट्री ध्यान से पढ़ना, विशाल सॉरी अजय सेंट अ डेबिट नोट, अजय सेंट अ डेबिट नोट मतलब बी सेंट अ क्रेडिट नोट, मिला, इट इज सेल्स रिटर्न, मिला,
Ajay sent a debit note, we sent a credit note, sales returns. Sales returns के अब कौन सा TD लोग? Sales का TD. तो sales का TD कितना था? 10%. Sales का TD was 10%. यहाँ पे you will take 10%. Gross दिया इसके लिए 10%. दो TD थे, 10 और 20. दोनों अजय वाले ही थे. Confuse मत होना. अजय में दो TD थे, एक 10 और एक 20. 10% was at the time of sale and 20% was at the time of purchase. So we are talking about sales returns. At the time of sales return, you take which TD? Sales card, which is 10%. So here it will be 900. TDQ minus kiya ho samjha? Because it was gross. Because it was gross. Vishal sent a debit note. We are Vishal, we sent a debit note. So purchase returns, kisko send kiya? Ajay. कुछ नहीं दिया ऊपर वही है एक ही है अजय बैलेंस पहले भी किसी का पैसा मिला होगा तो नहीं नहीं इसमें और कुछ पैसे बाय करके नहीं दिया है ना और कोई बैलेंस है नहीं अजय ही है तो एक ही अजय है अजय को ही भेजा है तो इसमें टीडी नहीं माइनस करना इसमें टीडी माइनस नहीं करना है क्यों नहीं करना है ग्रॉस ग्रॉस नहीं दिया तो करने की जरूरत अच्छा ग्रॉस होता तो करते 20% कितना था 20% क्योंकि परचेज का था 20 This is on 10. Received a cash memo. Please listen. Sir, received cash memo मतलब? Received cash memo मतलब purchase but on cash basis. And sent a cash memo मतलब sale on cash basis. Cash पे purchase किया. Asked him to dispatch half the goods at 5% TD on list price to revenue. पहले तो purchase किया. परचेज का मैं इधर वर्किंग नोट बना रहा हूँ लेजर में काम आएगा 6000 परचेज आर ऑन कैश बेसिस ओके तो लेस टीडी 10% विच इज 600 नेट इज 5400 सीडी भी ले लोगे बिकॉज इट इज कैश 2% विच इज 108 यू गेट 5292 सर हमेशा एग्जाम में हम लोग को सब्सिडियरी लेजर एक सम नहीं लेजर कौन सा ये चार परचेज परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न उसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए नोट काम करता है तो सर एग्जाम में इतने बड़े सम्स नहीं आए छोटे नहीं नहीं आज से 10 होंगे बट इजी हो लेजर के लिए रफ मार्क्स खाली लेजर मार्क्स खाली लेजर विल डू यू विल सॉल्व योर पेपर्स गेट एन आइडिया क्या करना चलो रिसीव्ड अ कैरी कैश मेमो दैट इज कैश परचेज ऑफ गुड्स प्लीज लिसन दिस विल गो इन नोट ऑल ऑफ यू राइट नोट लिख दो सुमैया वाले लोग एंट्री कर लो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट एंट्री अच्छा पड़ता है बट तुमको नोट्स दिया है ना कॉलेज में यू कांट पायलट दैट चलो नोट लिखो फटाफट नोट्स क्या लिखोगे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कैश परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड 12th एंट्री ना 12th SK will pass entry purchase to cash to discount. Sir, आगे भी है. आगे भी है. वो part second है. Sale हो रहा है. First part क्या किया? अभी आगे का पढ़ो. Asked him to dispatch half the goods at 5% TD on list price to Rahim. Tell me. Asked him to dispatch half the goods at 5% TD on list price to Rahim. Sales हो रहा है? Cash पे या credit पे? Credit पे हो रहा है? हाफ की फुल हाफ तो व्हाट विल डू हाफ ऑफ 5,48,000 हाफ ऑफ 6 व्हाई नॉट हाफ ऑफ 5,400 बिकॉज टीडी है टीडी किस पे लेने का ग्रॉस पे लेने का प्रॉफिट किस पे लेने का कॉस्ट पे लेने प्रॉफिट ऐड करना होता 5,400 पे टीडी सब्ट्रैक्ट करना है ग्रॉस प्राइस विल यू टेक 6 और 3 6 का हाफ दैट्स 3 3000 is the gross price for sales. Uspe TD kitna? 5%, which is 150. So net is 285. Which book? Sales book. This will be recorded because it is happening on credit. So Rahim 285 sales book. Samjha ki nahi? Bolo. List price is gross price. हाँ. अगर नहीं होता तो भी TD किस पे आता है? पर पहले ऑलरेडी टीडी माइनस कर दिया था वो तो परचेज का था
नाउ यू आर सेलिंग द सेम लॉट तो अगर इस पे लोगे तो लॉस हो जाएगा क्योंकि तुमको ही 5400 में पड़ा उस पे और डिस्काउंट दे रहे हो. व्हेनेवर वी बाय एंड सेल द सेम गुड्स जीपी रिमेन्स सेम तो वही जीपी लेने का उसी पे यू विल टेक प्रॉफिट. नहीं दिया होता तो भी उसी पे ले. दोनों नेट होता है बट परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का डीडी माइनस सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स दोनों नेट पे होता है. दोनों नेट ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑन नेट. ग्रॉस कहीं रिकॉर्ड होता ही नहीं है बुक्स कहीं पर भी. ग्रॉस प्राइस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. टीडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. आएगा आगे भी आएगा इसमें है एग्जाम्पल. डिस्पैच हो गया रहीम रिटर्न गुड्स ऑफ 1900 विच वर रिटर्न बैक टू राम. रहीम रिटर्न गुड्स रहीम रिटर्न गुड्स सेल्स रिटर्न 1900 लिख दियो इधर दे दिया है सेल प्राइस कितना है ये 50. रहीम रिटर्न गुड्स ऑफ 9 विल यू सबट्रैक्ट एनी टीडी ओवर हियर. व्हाई नेट कुछ ग्रॉस के बारे में स्पेसिफाई नहीं. अभी सेम गुड्स वर रिटर्न टू राम तो राम को रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न्स में आएगा. शुड आई राइट सेम 1900? नो नॉट पॉसिबल बॉस. हाउ विल यू डू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर इक्वेशन. ओके कैसे करोगे देखो कितने का खरीदा था इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है ना तो तुमको क्या चाहिए कॉस्ट और सेलिंग प्राइस चाहिए. व्हाट डू वी नीड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस. We need cost and selling price. Got it? So, what was the cost of the goods which we purchased? 5,400. Half he sell kiya, to half cost lene ka. Half of cost kitna hoega? 2,700 hoega. Mila? Ki nahi? 2,700 ka humne kitne mein sell kiya? 2,850 mein sell kiya. Ye dikh raha hai yahan pe? TD VD kuch nahi liya humne. परचेज प्राइस था 5400 कॉस्ट उसका हाफ 2700 का बेचा 2850 इसमें से उसने कितने का रिटर्न किया मेरे को 1900 तो 1900 इसके नीचे लिखूंगा आई क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट विल आई गेट 1800 दिस शुड बी 1800 या फिर अनदर वे और एक इजी मेथड है. देखो यहां इजी मेथड कैसे करोगे ध्यान से देखो बोल ये 1900 है ये आफ्टर डीडी है कि बिफोर डीडी है. इससे बिफोर डीडी ढूंढ सकते हो बराबर कैसे ढूंढ सकते हो आफ्टर डीडी से बिफोर डीडी अमाउंट बिफोर डीडी माइनस डीडी इक्वल्स अमाउंट आफ्टर डीडी. याद आया सीडी से कैसे ढूंढते थे अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी अमाउंट आफ्टर सीडी. इजी है इसके लिए इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन. अमाउंट बिफोर टीडी माइनस टीडी इक्वल्स अमाउंट आफ्टर टीडी. इज दिस क्लियर. लेट अस अज्यूम द अमाउंट बिफोर टीडी इज 100 माइनस कितना था सेल का टीडी कितना था 10 सेल का. रहीम को जो सेल किया उसका टीडी कितना था 5% था तो 100 माइनस 5 गिव यू 95 मिला. ये 95 के नीचे लिख सकता हूं मैं 1900 If I cross multiply, I'll get my before TD value, which is 2000. Nearest round figure on the higher side. वो भी apply कर सकते हो यहाँ पे. 1900 after TD था. तो before TD कैसे पता चला 1900 after TD? अरे ये क्या? ये amount दिया है. 1900 into 100 upon 95 किया तो you got amount before TD 2000. Now what is this? This is gross. Gross मिल गया ना? ग्रॉस में क्या करोगे कौन सा डीडी माइनस परचेज का कितना था 10% तो 10% 1800 आ गया. सिंपल नेट अमाउंट पता था ग्रॉस ढूंढ सकते हो. एक बार ग्रॉस हाथ में आ गया ग्रॉस इज ब्रह्मास्त्र. ग्रॉस सबका सेम रहता है तुम्हारा परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न. इज दिस क्लियर. तो सेल्स रिटर्न में यू विल सब्ट्रैक्ट सेल्स का डीडी परचेज रिटर्न में सब्ट्रैक्ट परचेज का डीडी. हेलो तो 2000 में 5% माइनस किया सेल्स रिटर्न मिल गया 2000 में 10% माइनस किया परचेज का मिल गया. हेलो समझा कि नहीं. सिंपली 2000 में से सब्ट्रैक्ट परचेज का टीडी कितना होता है
10% 200, which is 80. Either ways you can do. Okay? Both the ways it is fine. So purchase return में ultimately value कितना आएगा? 1,800 कैसे किया समझा? 1,900 after DD था, घुमा के before DD ढूंढा, before DD में purchase का DD apply किया, I got purchase return का value. Is this clear? Suppose purchase return का 20% होता DD, purchase return का 20% होता, what would I have done? 2000 पे 20% अप्लाई कर देता तो 1600 मिल जाता, समझा कि नहीं? ऐसे भी कर सकते, ये भी किया तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद नेट वैल्यूज लेना, लेकिन आफ्टर डीडी का है. नहीं समझ रहे? पक्का? भागने के लिए करो मत. नहीं इसे होगा, सीधा बैठा है. दिस इज ऑन 15. Okay, after DD and before DD. Next. 18. Vishal purchased goods of 6,000 from Anil. Dekho, similar example hai. Let's see who gets it. Vishal purchased goods from Anil. So we are? Purchase. Cash or credit? Credit. Which book? Purchase book. Anil. Who TD wagera hai? 6,000. Straight forward. 6,000 amount de diya. Theek hai? And asked him to dispatch to Sunil at 1/3 profit on cost. Asked him to dispatch to Sunil at 1/3 profit on cost. कितना था cost हमारा? 6,000. का 1/3 profit? 2,000. So you get what? 8,000. ये समझा? Which book? Sales book Sunil will be 8,000. Agree? Yes or no? ये दोनों example समझा? Bought it for 6, sold it for 8, 2,000 का profit लगा के, बराबर? अभी sent a credit note to Sunil for 2,000. Sent a credit note to Sunil for 2,000. Sir, keep it there. Sent a credit. Are you listening? I told you something important. Don't divert your attention, please. Sent a credit note to Sunil for 2000. Matlab it is purchase return or sales return? Sales return. Sunil, sales return. Kitne ka send kiya? 2000 ka credit note send kiya. Mila? Ki nahi? What is this 2000? Tell me, is this cost price or selling price? Selling price. Sales return happened at selling price. Obviously. Now, sent a debit note to Anil for the purchase sale. Return. So, purchase return. Should I write same 2000? No. No. Again, how will you do this? Cross multiply. What is the cost? What is the cost? Same. Total cost kitna tha goods ka? 6,000. 6 ka tha. So, cost ke niche likho 6. Becha kitne mein? 8 mein. Isne 2000 ka return kiya. So, cost kitna? 2000 into 6,000 upon 8,000. सेम कर रहे हैं हम लोग. कितना होएगा ये? 1,500 का. क्या किया समझा? इधर I cannot write 2,000. I cannot write 2,000 in purchase returns. Why I cannot write, you understood? Because purchase return happen at cost price. What is my cost price? 15. यार common sense भी use कर सकते हो. 6 का 8 में बेचा है. 8 का 1/4 कितना होता है? 2. तो 6 का 1/4 कितना? 15 आ गया. इसने 1/4, वही 1/4 हमने रिटर्न किया. इसने अगर हाफ रिटर्न किया होता तो हाफ 4,000, तो इसका हाफ 3,000. पूरा रिटर्न किया होता तो इधर 8, इधर 6, फुल 8, फुल 6. सिंपल. सो परचेज रिटर्न में आएगा अनिल बट हाउ मच? 1,500. ये दोनों एग्जांपल बैठा दिमाग में, बोलो एनी डाउट? ये एक तो आएगा ही ना एग्जाम में, ऐसा पूछता ही. ये वाला कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई. नेक्स्ट, परचेज 8 पैकेट्स. नेक्स्ट वाला पढ़ो, ये भी कॉमन सेंस ही है. परचेज 8 पैकेट्स ऑफ गुड्स फॉर 1500 ईच फ्रॉम मोहित. कैश और क्रेडिट? 1500 इंटू मोहित कितना? 1500 इंटू 8 विच इज 12,000. 22nd सुहानी, परचेज बुक मोहित 12,000, यू गॉट इट?
sold 3 of the above packets to Rohit at 1/4 profit on sales. Underline that part. Is profit on cost or on sales? On sales. There's a difference between the two. You remember? Whenever the profit is on cost, you directly add it to cost. But whenever it on say it is on sales, can you directly add it? No. You have to form an equation. What is that equation? C plus P SP. Yaad aaya kuch? Abhi, it is 1/4 on sales, right? What is 1/4 in percentage form? 25%. So, on sales, so I'll assume my selling price to be 100. Let my selling price be rupees 100. Profit is 1/4 on sales, so it is 25% of sales. अगर 75 ये 100 है तो ये 25 और ये 75 हो गया सर मतलब जब भी प्रॉफिट ऑन सेल्स ये होता है तभी सेलिंग प्राइस 100 सेलिंग प्राइस 100 जी और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कॉस्ट पे डायरेक्ट कर देगा कुछ करने की जरूरत ही नहीं गॉट इट अभी पूरा पैकेट बेच दिया 8 का 8 की 3 पैकेट तीन पैकेट तो कॉस्ट भी कितने का लोगे 3 पैकेट का 1500 पर पैकेट था तो 3 पैकेट का 4500 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड अराइव एट योर सेलिंग प्राइस 4500 into 100 upon 75. I think that should be 6000. Okay? 6000 rupees is my selling price. Am I selling it on cash or credit? Credit. Credit? Yes. Rohit, 6000. Ye baitha ki nahi dimag mein bataunga. Ye part samjha ki nahi. We purchased 8 packets, but we sold only 3 packets. And those 3 packets were sold at a profit. Profit was not on cost, profit was on selling price. If the profit is on selling price, can you directly add up to your cost? No. It's 1/4 of 4500 nahi hai. 1/4 of selling price. Sales pe profit. But sale price hi nahi pata hai bhaiya, to kaise add karoge? Kisko add karoge? To equation banana hi padega jab mai. Either C plus P SP karo. SP ke niche 100. Suppose the profit was 20, I would have written 80 plus 20. Are you listening? अगर ये 25 है तो 75 प्लस 25 इसके लिए अच्छा कॉस्ट कितना लिया मैंने 4500 क्यों लिया समझ रहे जानकी व्हाई नॉट 12000 व्हाई नॉट 12000 व्हाई डिड आई टेक 4500 बिकॉज़ 3 पैकेट्स आई वुड हैव सोल्ड 4 पैकेट्स देन 6000 5 पैकेट्स देन 7500 एंड सो ऑन एंड सो क्रॉस मल्टीप्लाई 6000 मिला सेल में लिख दिया 6000 नाउ रीड फर्दर व्हाट इज हैपनिंग रिसीव्ड अ डेबिट नोट फ्रॉम रोहित फॉर 2 पैकेट्स What do you mean by received a debit note? Sent a credit note. Sent a credit note to Rohit. That is sales returns. Understood? For how many packets? 3000. Two packets? Two packets? Yes? Yes. Use your common sense and tell me what amount should I write in these two packets? 4000? 3000? 5000? 4000. Bahut easy hai. Common sense hai. Sales and sales return happen at? Selling price. तीन पैकेट बेचा था तीन पैकेट कितने में सेल किया था उसको 6000 तो कह रहे हैं पर पैकेट इट्स 2000 उसमें से दो पैकेट उसने रिटर्न किया तो 2 into 2 4 सिंपल एज दैट सो 2 into 2000 इज 4000 पर पैकेट सेलिंग प्राइस पता है अपने को यहाँ पे समझा कि नहीं पक्का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ये बहुत सिंपल है 6000 तीन पैकेट तो दो पैकेट का कितना 4000 ओके उसका कर कैलकुलेशन करने का भी जरूरत तीन पैकेट का 6000 है ना तो दो पैकेट का कितना 4000 एक पैकेट रिटर्न किया होता तो 2000 आगे बढ़ो उसमें दिया मोहित रिसीव्ड अ डेबिट नोट फॉर 1 पैकेट सॉरी मोहित रिसीव्ड अ डेबिट नोट मतलब वी सेंट अ डेबिट नोट सो दैट्स परचेज रिटर्न्स 1500 करेक्ट हेलो अभी 1 पैकेट विल आई राइट 2000 ओवर योर 1 पैकेट अदर नो 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 आई हैव टू राइट कॉस्ट व्हाट वाज द कॉस्ट पर पैकेट 1500 आई राइट 1500 ये दिया ना यहां पे 1500 इज द कॉस्ट प्राइस पर पैकेट समझा तो यहां पे 2000 और वहां पे 1500 क्यों लिया दोनों में सेम ही होगा परचेज परचेज रिटर्न हैपन एट कॉस्ट प्राइस सेल सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस दोनों अलग है एक प्रॉफिट के बिना है प्रॉफिट के साथ है समझा तो दोनों में सेम वैल्यू नहीं लिख सकते इसलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि पर पैकेट कॉस्ट और पर पैकेट सेलिंग प्राइस अवेलेबल है समझा
इधर फोर इधर खाली एक पैकेट. अच्छा दो पैकेट रिटर्न किए होते तो कितना लिखते हैं यहाँ पे 3000. तीन पैकेट रिटर्न किए थे तो 4000. लास्ट वन गुड्स ऑफ 2000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. दोनों नोट जेपी लिखो. ट्रांजैक्शन ऑन 30th इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन ऑन 30th इन्वॉल्व्स गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स. Both will be recorded in journal prompt. Which will be drawn for personal use and distributed as samples. Both will be recorded in JP. Journal prompt. Both will be recorded in journal prompt. And SK will write. One. SK will write the entry, drawings, two goods withdrawn, and advertisement to goods distributed as samples. Drawings to goods withdrawn, advertisement to goods distributed as samples. Okay. Draw the ledgers, one page three, one side three accounts. Okay. Purchase account. What is return outward account? Return outward is purchase return. Outward. Purchase kya hua? Return outward. Purchase return. Return inward is sales. Tini account. Purchase, purchase, return and तीसरा कौन सा है? अच्छा last of three accounts. Purchase last ledger. हाँ last खत्म. इसके बाद homework है. सब number देखो last lecture का भी discuss करना बाकी homework. मैं सब Tuesday करता हूँ. Homework के लिए है तुम्हारा सम number 12 which ledger मतलब कौन सा purchase return sales rate. 12th sum 16th नहीं किया हमने चेक करो. आई थिंक वी हैव डन 16. नो वी हैव डन 15 नॉट 16. सर ये सम क्लास में करा हूं ना. कौन सा 16? इजी है, बहुत इजी. सर बहुत बड़ा है. बहुत इजी है लेकिन 16th सम इज फॉर होमवर्क नो लेजर. और एक लास्ट है 17. 16 एंड 17 विदाउट लेजर, 12th विथ लेजर. तीन सम बहुत चिंदी चिंदी सम्स है, कोई डाउट है तो बोलना. 12th विथ लेजर, 16 एंड 17 विदाउट लेजर, 12, 16, 17, तीन सम खत्म. सब्सिडियरी बुक्स ओवर. फर्स्ट सेकंड सम बाकी है? नहीं सेकंड बाकी है. सेकंड आई टेक एट द टाइम ऑफ रिवीजन. सेकंड सम बाकी है, फर्स्ट हो गया. फर्स्ट किया है सेकेंड वाला ट्वेंटी फोर्थ. ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर्थ कॉलेज दो दो दिन करके छोड़ रहा है. बैंड बजेगा तुम्हारा. खतरनाक प्रॉब्लम सब बाकी है सर. पर एक मिनट पूरा हुई नहीं. ट्वेंटी से जा रही हूँ. सबसे बड़ी जा रहे बीच में सब प्लान कर लेने का. दिवाली का 5 दिन घूम के आने का. सर 5 दिन से पहले वाली के तो होता है ना. वो तो सब अभी पूरे साल 12 महीने त्योहार या फिर त्योहारी मना. पढ़ाई छोड़ दो. चलो कम ऑन ग्रो फास्ट. 31st तक दो ना छुट्टी. वो मैं कर देगा. एक दिन आगे पीछे इज फाइन. अभी 23 टू फर्स्ट समझ लो. बट फर्स्ट सेकंड तक आ जाए. हाँ 23 टू फर्स्ट इज स्टिल फाइन. बट उसका आगे पीछे मिस मत. ड्रॉ फास्ट. व्हाट आर यू डूइंग? थ्री अकाउंट प्लीज. हेड्स लिखो. कम ऑन ड्रॉ. अच्छा थर्सडे यू आर हैविंग अ टेस्ट ऑफ लेजर. ओके लेजर चैप्टर का टेस्ट है. 1 आवर टेस्ट. थर्सडे 1 चैप्टर लेजर. थर्सडे थर्सडे 4 डेज यू आर हैविंग. 7 to 8 एंड 8 onwards लेक्चर. थर्सडे थर्सडे चलो फटाफट. जर्नल प्लस लेजर का वो सब रहेगा. 15 मार्क्स 30 मार्क्स जर्नल प्लस लेजर. जर्नल प्लस लेजर इट इज लेवल मीडियम रखना. मीडियम नहीं मेरा टेस्ट का ही लेवल रहेगा. जर्नल प्लस लेजर 15 मार्क्स
ईच टू प्रॉब्लम्स 30 मार्क्स वन आवर ओके 7 टू 8 फिर 8 टू 10 लेक्चर सबका है ऑल आर हैविंग टेस्ट ओके ड्रॉ द थ्री अकाउंट्स बाद में बोलो अभी जो है प्लीज ड्रॉ द थ्री अकाउंट्स फर्स्ट अकाउंट अभी पढ़ो बोलिंग क्या है दिन में थोड़ी ना हो रहा पूरा 24 घंटे डांडिया खेलते अभी 3 दिन है ना पढ़ाई करो चलो 2 दिन में फालतू का एक्सक्यूज कॉलेज हाँ तो कॉलेज सोमैया बड़ा कॉलेज है मैनेज करने का डांडिया वांडिया खेलने का तो पढ़ाई भी करने का सिंपल बायोमेट्रिक हो गया अभी बायोमेट्रिक हो गया जाओ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो फ्री लेक्चर है तो पढ़ो हाँ वो मैं टाइमिंग करके देगा तुमको टाइमिंग का टेंशन मत लो पढ़ाई करके थर्सडे को टेस्ट देना है 8 से 10 मतलब कितने घंटा बैठे 2.5 आवर से 1 आवर टेस्ट 1.5 आवर लेक्चर हाँ भाई सब मिलेगा पहले भी तो लिया है नया थोड़ी है टेस्ट और लेक्चर आता तो है तुम लोग चलो कॉलेज कॉलेज हम लोग हाँ बाबा तुमको 10 से पहले छोड़ देगा 9:30 9:45 छोड़ देगा 45 नहीं 30 9:45 चलो परचेज अकाउंट ड्रॉ किया परचेज अकाउंट में सर्च फॉर कैश परचेज परचेज अकाउंट में सर्च फॉर कैश परचेज कैश परचेज सेकेंड सेकेंड सेल्स थर्ड और ट्वेल्थ सेकेंड भी है हाँ वही सेकेंड मतलब थर्ड है वही थर्ड एंड ट्वेल्थ थर्ड वाला कैश परचेज का नोट देखो यहाँ पे मैंने 1 करोड़ वाला किया है ये रहा क्या है एंट्री कैश परचेज का परचेज टू कैश टू डिस्काउंट परचेज टू कैश 2352 परचेज टू डिस्काउंट 48 याद आया कैसे कर रहे हैं परचेज अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश 2352 परचेज अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश 2352 एंड परचेज अकाउंट में टू डिस्काउंट रिसीव 48 क्लिक हुआ कैश पार्ट अलग से करना है परचेज में टू कैश एंड टू डिस्काउंट अनंत फटाफट तीन ही है पीछे नहीं करना है ओनली अकाउंट है फटाफट स्टार्ट कर परचेज हेड लिख और स्टार्ट कर परचेज में टू कैश 2352 एंड टू डिस्काउंट 48 ये कौन से डेट पे होगा 3/1/10 क्या किया मैंने समझा परचेज कैश परचेज पोस्ट किया नाउ क्रेडिट परचेज करना है पोस्ट अलग से नहीं लास्ट डेट पे टोटल लिख ठीक है और कैश परचेज है 12th में पूरा